गाइस, वेलकम टू तैयारी एग्जाम की डॉट कॉम। मैं हूँ सोनिया शर्मा, आपकी इंग्लिश फैकल्टी। तो आज हम वोकैबरी सेशन में कुछ रूट्स वर्ड पढ़ेंगे कि रूट्स वर्ड के द्वारा किस तरीके से आप वोकैब को आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, उसमें रटा लगाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि रूट वर्ड आपके कैसे वर्ड होते हैं जिनसे आप प्रीफिक्स और सफिक्स का यूज करके आप अनेक सारे वर्ड उसमें यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लेते हैं एक वर्ड, जैसे हमारे ये लिखा हुआ है क्रोनोलॉजिकल। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? क्रोनोलॉजिकल। अब हम इसको अगर हम पढ़ें तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्रोन को लेकर ही है, CHRON। ठीक है, क्रोन क्या होता है? क्रोन जो हमारा वर्ड है वो टाइम से रिलेटेड है। किस से रिलेटेड है? टाइम से। तो क्रोन हमारा क्या है? यहाँ पर टाइम हो गया। क्या है हमारा क्रोन? टाइम हो गया। ओ की हम बात करते हैं तो ओ से क्या पढ़ेंगे हम? ऑफ। लॉजी की हम बात करते हैं तो एल ओ जी वाई होता है। ठीक है, तो लॉजी की बात करें, लॉजी क्या है हमारा? एक स्टडी का सिमिलर वर्ड है। किसका है? स्टडी का। सी ए एल कल क्या हुआ हमारा? ये क्या है हमारा? एडजेक्टिव है। क्या है हमारा? ये एडजेक्टिव। तो अब हमें यहाँ पे पता चल गया है कि अगर हमने इस तरीके से कुछ ब्रेक करके शब्द को पढ़ेंगे, रूट्स को पढ़ते हैं, तो रूट वर्ड क्या है हमारा? क्रोन है। और क्रोन क्या होता है हमारा? टाइम से रिलेटेड वर्ड है। ओ से ऑफ हो गया हमारा, लॉजी से स्टडी हो गया, कल से एडजेक्टिव हो गया। तो इसको मतलब ये जो रिलेटेड टू स्टेटिंग इन ऑर्डर ऑफ टाइम। ठीक है, यहाँ पे रिलेट किस चीज़ को रिलेट कर रहा है? ये टाइम को रिलेट कर रहा है। किसको रिलेट कर रहा है? टाइम से रिलेट कर रहा है क्रोन का मतलब। ठीक है, इसका मतलब हमारा क्या होगा कि रिलेटेड टू स्टेटिंग इन ऑर्डर ऑफ टाइम, यानी कि किसी भी समय का क्रम अनुसार अध्ययन करना। ठीक है, किसी भी समय का क्रम अनुसार अध्ययन करना। तो इतना क्लियर होगा? एक बार फिर देख लीजिए कि जो हमारा टॉपिक है वो आज का टॉपिक है क्रोन को लेकर के। ठीक है, क्रोन क्या होता है हमारा? क्रोन होता है हमारा टाइम। ठीक है, क्रोन का सिमिलर वर्ड क्या है हमारा? टाइम से रिलेटेड है। तो क्रोनोलॉजिकल हमने पढ़ लिया कि हमें किस तरीके, देखो आपको इसमें एक चीज़ समझ आ रही होगी कि हमें यहाँ पर याद करने की कोई भी ऐसा नहीं लगता कि हमें यहाँ पर किसी चीज़ का रटा लगाना है। हमें वो कैब सेशन में रटा नहीं लगाना, हमें इसकी लॉजिक समझनी है। ठीक है, कि आपको कैसी चीज़ें रूट के द्वारा किस तरीके के आपके वर्ड यूज बनते हैं। ठीक है, तो आपका ये जो वर्ड बना हुआ है ये क्रोन से बना हुआ है, क्रोनोलॉजिकल। तो क्रोन का हमें क्या पता चल चुका है कि टाइम होता है, ओ से क्या होगा? ऑफ होता है, लॉजिक का मतलब होता है स्टडी होता है, और कल हमारा एक एडजेक्टिव वर्ड है। तो रिलेटेड टू स्टेटिंग इन ऑर्डर ऑफ टाइम, तो ये क्या हो गया हमारा? किसी भी समय का क्रम अनुसार अध्ययन करना। अब आता है क्रोनिकल। ठीक है, क्या आता है? क्रोनिकल। तो अभी जैसे भी बताया आपको कि आपका जो हमारा जो आज का टॉपिक है वो किस चीज़ को लेकर के है? क्रोन को लेकर के है। ठीक है, तो अब ये बताइए यहाँ पर क्या लिखा है हमारा? क्रोनिकल। अब हम इसे केवल इतना पढ़ेंगे, क्रोन। ठीक है, तो क्रोन क्या है हमारा? टाइम से रिलेटेड है। ठीक है, क्रोन क्या है हमारा? टाइम है। सी एल की अगर हम बात करें तो सी एल ई हमारा कोई मीनिंग नहीं होता, तो इसका कोई नॉट मीनिंग, इसे हम क्या लिखेंगे? नॉट मीनिंग। इसका कोई मीनिंग ही नहीं होता, तो अगर मीनिंग नहीं होता हम इसे कैसे यूज़ करेंगे? देखें हम, क्रोनिकल ए स्मॉल पार्ट ऑफ टाइम। ठीक है, यानी कि एक छोटा सा हिस्सा होता है समय का। जैसे कि हम बोल देते हैं ए हिस्टोरिक रिकॉर्ड। ठीक है, अब कैसे कि कोई इतिहास में कोई ऐसी घटना रची जो हमारा वो रिकॉर्ड हो गया, तो एक छोटा सा टाइम होता है। ठीक है, तो उसको रिकॉर्ड करना, तो उसे बोलते हैं हिस्टोरिक टाइम। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? क्रोनिकल। क्रोनिकल हमारा टाइम हो गया। सी एल ई कुछ नहीं होता है, वो नॉट मीनिंग होता है। ये ए स्मॉल पार्ट ऑफ टाइम, यानी कि क्रोनिकल क्या होता है? एक छोटा हिस्सा होता है समय का, और वो भी किस समय का? जो आपका इतिहास से रिलेटेड हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्रोनिकलर। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? क्रोनिकलर। तो अब ये बताइए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये क्रोनिकलर, क्रोन हम इतना अब इसे टुकड़ों में लेकर पढ़ेंगे, ब्रेक करके पढ़ेंगे इसको, ताकि हमें समझ आ जाएगा क्रोन का मतलब क्या होता है। अभी हम पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, क्रोन का मतलब क्या होता है? टाइम होता है। और ई आर की बात करें, सी एल ये भी बताया था आपको, सी एल का कुछ मीनिंग नहीं होता है। ई आर की बात करें, एक तो देखो ई आर होता है, ठीक है, और एक होता है ओ आर।
ठीक है, एक बार थोड़ा सा इनमें डिफरेंस समझ लीजिए कि जो ई आर है, ओ आर है, वो आपके पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ई आर, जैसे कि आप हम लिखते हैं थिंक, क्या लिखते हैं थिंक, तो थिंक तो सोच हो गई, ठीक है, और सोचने वाले को हम क्या बोलते हैं, थिंकर। तो ई आर ओ आर ये किसके लिए यूज़ किया जाते हैं, किसी पर्सन के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो जैसे कि हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है वन हु मेक्स टाइम लेस, ठीक है, यानी कि जो अमर होता है, यानी कि टाइम अमर होता है हमारा, जो इतिहास से लिखा हुआ, इतिहास में उसका लिखा हुआ होता है, इतिहास का रिकॉर्ड होता है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलो आगे चलते हैं। अब है हमारा क्रॉनिक, ठीक है, क्या है हमारा क्रॉनिक। अब क्रॉनिक की हम बात करें, वैसे तो पहले हम देख लेते हैं क्रोन का मतलब क्या होता है हमारा, टाइम होता है। क्रोन का मतलब क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है, यानी कि रिलेट टू टाइम। अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा स्पेसिफिकली ऑफ स्लोली डेवलपिंग। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो जो हमारा क्रॉनिक वर्ड है, ठीक है, ये जो क्रॉनिक वर्ड है, वैसे तो ये मेडिकल साइंस में यूज़ होता है, वैसे तो ये किस में यूज़ होता है, मेडिकल साइंस में यूज़ होता है, ठीक है, लेकिन इसके साथ ही ये वैसे इसे हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिकली ऑफ स्लोली डेवलपिंग। अब कैसे, जैसे कि हम बात बताएं आपको, एक मौसम की जो बीमारी होती है, मौसमी बीमारी बोल देते हैं उसको, ठीक है, तो मौसमी बीमारी के लिए हम क्या बोलेंगे, जैसे कि तो हम बोलेंगे इसको क्रॉनिक डिजीज बोलेंगे, ठीक है। तो इतना क्लियर होगा कि क्रॉनिक हमारा किससे रिलेटेड वर्ड है, ये मेडिकल साइंस में यूज किया जाता है, जो रिलेट करता है किसी टाइम को, और एक ऐसे टाइम को जो स्पेसिफिकली हो, ठीक है, ऑफ स्लोली डेवलपिंग। अब आगे चलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अब आपको यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना है, यहाँ पे एक रूट वर्ड और है हमारा डेंड्रो, और ये हमारा क्रोन, और ये हमारा ओ आ गया, और ये हमारा लोजी हो गया। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, डेंड्रो क्या होता है, क्या होता है डेंड्रो, डेंड्रो होता है ट्री, डेंड्रो क्या होता है ट्री। अब हमने क्रोन जो पढ़ा अभी, क्रोन क्या होता है हमारा, टाइम होता है, क्रोन क्या होता है टाइम। अभी हमने पढ़ा ओ से क्या बनता है हमारा, ऑफ बनता है। लॉजी क्या होता है हमारा, लॉजी क्या वर्ड है हमारा, सिंगल वर्ड, इसका वर्ड है हमारा स्टडी, क्या वर्ड है स्टडी। अब ट्री तो आपको समझ में आ गया, ट्री भी समझ में आ रहा है, टाइम भी समझ में आ रहा होगा, ऑफ और स्टडी, यानी कि किसका अध्ययन करा जा रहा है यहाँ पर, टाइम, पेड़ का अध्ययन करा जा रहा है, लेकिन केवल पेड़ का ही नहीं, पेड़ के समय का। इसका मतलब हम उसकी एज का पता निकालने के लिए, हम एज के जो, एज का जो मालूम होना चाहिए कि उसकी एज, पेड़ की एज क्या होती है, और उसकी लिए जो स्टडी की जाती है उसके लिए डेंड्रोक्रोनोलॉजी का अध्ययन, उसे क्या कहते हैं हम, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, यानी कि डेंड्रोक्रोलॉजी, ये हमारा जो वर्ड है डेंड्रोक्रोलॉजी, ये साइंस में यूज़ किया जाता है, और साइंस में इसलिए यूज़ किया जाता है कि जो हमारे पेड़ हैं उन पेड़ की उम्र का पता लगाने के लिए, ठीक है, तभी तो लिखा हुआ है यहाँ पर, आपको समझ आ जाएगा। द साइंस ऑफ रिंग, ट्री रिंग्स इन एनिशियंट वुड ऑफ डिटरमाइन ऑफ द ट्री। अब कैसे, जैसे कि आपने देखा होगा सूखे पेड़, जैसे पेड़ काटते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ इस तरीके से पेड़ होता है, ठीक है, कुछ ऐसे करके पेड़ होता है, और जब उसको पेड़ को काट दिया जाता है, ठीक है, अगर इसे काटने की बात करें, जब इसे काट दिया जाता है तो आपने देखा होगा कि इसके अंदर कुछ इस तरीके से रिंग से बने हुए होते हैं, कैसे होते हैं, रिंग से बने हुए होते हैं, ठीक है, ये हमारी लकड़ी होती है जिस तरीके से, तो ऐसे रिंग से बने होते हैं, तो उस रिंग का पढ़कर ही उसकी उम्र का पता लगाया जाता है कि इसके पेड़ की इतनी उम्र हो चुकी है, यानी कि ये पेड़ जो है, ये वृक्ष जो है, ये ट्री जो है हमारा, इतना पुराना ट्री है, ठीक है। जैसे कि पता आपने सुना होगा कहीं बड़े बड़े तीर्थ कहीं भी जाते हो कि ये पेड़ जो है काफ़ी हजार साल पुराना है, तो उसकी उम्र का जो पता लगाया जाता है, उसकी उम्र का पता लगाने के लिए जो स्टडी की जाती है, उस सब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी,
तो हमारा मतलब यहाँ पर निकलता है कि जो हम पेड़ वृक्षों की ट्री की ठीक है जो उनकी एज को मालूम करते हैं, उसके लिए जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसे उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या हो गया हमारा, द साइंस ऑफ रिंग ट्री रिंग्स इन एनिशियंट वुड ऑफ डिटरमाइन ऑफ द ट्री। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। तो इजी है ना, काफ़ी मुश्किल भी नहीं है, ठीक है, और आसान भी नहीं होती। अगर आप समझने की कोशिश कर रहे हैं तो सब कुछ आसान भी होता है। अब यहाँ पे आता है डायक्रोनिक। ठीक है, तो डाई से का मतलब क्या होता है, ये किसी हिस्से की बात करता है जिसका मतलब होता है टू। ठीक है, किसका मतलब होता है टू, आपका अगर बात बताऊँ मैं, आपने पढ़ा होगा जैसे मोनो है, क्या है मोनो, मोनो किससे रिलेटेड है, वन से। ठीक है, टू डाई किससे है, टू से। अगर हम बात करें ट्री की, ट्री किससे है, थ्री से। स्क्वायर्ड की बात करें तो ये किससे है हमारा, फोर से। फाइव को हम बोलते हैं पेंटा। सिक्स को हम क्या बोलते हैं, हेक्सा। सेवन को क्या बोलते हैं हम, सेप्टा। एट को हम बोलते हैं ऑक्टा, और नाइन को क्या बोलते हैं हम, नोना। ठीक है, नोना आपके छोटे छोटे भाई होते हैं ना, नोना नोनी, तो वही नोना है ये। तो नाइन क्या है हमारा, नोना। तो आगे चलते हैं, टेन है हमारा डी का। ठीक है, तो ये हमारे जो इंग्लिश में वर्ड यूज़ किए जाते हैं नंबर को लेकर के, कुछ इस तरीके से यूज़ किए जाते हैं कि डाई हमारा टू हुआ, मोनो हमारा वन है, ट्री थ्री है, स्क्वायर्ड फोर बोलते हैं, फाइव को पेंटा, सिक्स को हेक्सा, सेवन को सेप्टा, ओ एट को ऑक्टा, नाइन को नोना, और टेन को डाई का बोलते हैं। इस तरीके से और भी काफ़ी सारे वर्ड हैं। तो अभी तो हमें यहाँ पे देख लेना है कि डाई का मतलब हमें समझ में आ गया और क्रोन का मतलब क्या होता है, टाइम होता है। ठीक है, क्रोन का मतलब क्या होता है, टाइम होता है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, एक्रोस और थ्रू आउट टाइम। ठीक है, तो हम किसी दो पक्ष के समय के बीच की बात, जैसे मान लीजिए ए है और ये हमारा बी है। ठीक है, एक पक्ष हमारा फ्रेजेस ये है, वह सेकंड फ्रेजेस हमारा ये है, तो इसका जो टाइमिंग होता है उसको बात, उसके लिए बात करते हैं। ठीक है, एक्रोस और थ्रू आउट टाइम, तो यहाँ पर आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये यहाँ पर हो सकता है टाइप करने में थोड़ा गलती होगी, मैं इसकी यहाँ पे स्पेलिंग दोबारा से लिख देती हूँ, डी वाई एस वाई एन सी एच आर ओ एन ओ यू एस, ये है स्पेलिंग डाई सिंक्रोनियस। ठीक है, तो डाई का मतलब डाई सिंक्रोनियस, सिंक क्या होता है, कवर करना। सिंक क्या होता है, कवर करना, यानी कि रिकवर करना उसको। ठीक है, अब हम इसे रिकवर भी बोल सकते हैं या फिर रिकवरी भी बोल सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा टाइप करने में मिस्टेक हो गई, ये एस डी वाई एस वाई एन है। ठीक है, और फिर आगे हमारा क्रोनियस है। तो अब हम बात करते हैं क्रोन के मतलब, क्रोन का मतलब क्या होता है हमारा, टाइम होता है। क्रोन का मतलब क्या होता है हमारा, टाइम। ओ यू एस क्या है हमारा, किसको क्या बता रहा है, ये हमारा एडजेक्टिव बता रहा है, ये क्या है हमारा, एडजेक्टिव है। तो हम बात करें यहाँ पे रिकवरी टाइम, यानी कि जो बैड टाइम होता है। ठीक है, क्या होता है, बैड टाइम। ये आपका नेक्स्ट था, इसमें मैं इसको हटाते हैं एक मिनट। ये आपका थोड़ा नेक्स्ट वाला उसमें बता दिया मैंने आपको, बताती हूँ उसमें दोबारा से।
ये वर्ड है डाई, ठीक है, डाइस वर्ड है डाई, और फिर हमारा है क्रोन ओयस, ठीक है। डाई होता है बैड के लिए यूज किया जाता है, डाई किसके लिए यूज किया जाता है, बैड के लिए यूज किया जाता है। क्रोन किसके लिए यूज किया जाता है, टाइम के लिए यूज किया जाता है। और ओयू से, ओयूएस जो है हमारा, वो हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, क्या है हमारा, वो एडजेक्टिव है। तो इसका मतलब जो हमारा डाइक्रोनिस है, यानी कि ये किसको प्रेजेंट करता है, रिलेटेड टू बैड टाइम, रिलेटेड टू बैड टाइम, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, तो ये आपका सही है कि डाइक्रोनियस क्या हमारा, बैड टाइम। आगे चलते हैं, जियोक्रोनोलॉजी, ठीक है, क्या लिखा हुआ है हमारा, जियोक्रोनोलॉजी। अब देखो काफी बड़ा वर्ड दिखाई दे रहा है कि जियोक्रोनोलॉजी, अब इसको अगर ब्रेक करके पढ़ें, ठीक है, एक टुकड़े हिस्सों में पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इसके वर्ड की जो मीनिंग है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब कैसे होगी, अब आप देखो, जियो, जी ई ओ, जियो क्या है हमारा, जियो किसे कहते हैं, ज्योग्राफी आपने पढ़ा होगा, तो यानी किससे संबंधित होता है वो, हमारा पृथ्वी से संबंधित होता है। तो जियो का मतलब क्या है, अर्थ, जियो क्या है हमारा, अर्थ। क्रोन की बात करें तो क्रोन क्या है हमारा, टाइम, क्रोन क्या है हमारा, टाइम। ओसे क्या है बनता है हमारा, ऑफ। और लॉजी क्या है हमारा, स्टडी वर्ड, ठीक है, क्या है हमारा, स्टडी वर्ड। तो आपको यहाँ पे क्लियर एकदम समझ में आ गया है कि आपका यहाँ पर आंसर क्या आने वाला है, कि द स्टडी ऑफ अर्थ टाइम, जो समय के पृथ्वी के समय का जो अध्ययन किया जाता है, ठीक है, जो पृथ्वी के समय का अध्ययन किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, जियोक्रोनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ, ये बात समझ में आई। आपने देखा होगा कि जियो की ज्योग्राफी जैसे आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो किससे संबंधित होती है, हमारी पृथ्वी से संबंधित होती है, यानी कि अर्थ से। तो इसलिए हमारा जियो क्या है, जियो मतलब अर्थ, क्रोन टाइम, ओ से ऑफ, लॉजी से स्टडी। तो इतना क्लियर हुआ, द स्टडी ऑफ अर्थ टाइम, इतना क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, अब एक वर्ड है हमारा टेरोक्रोनोलॉजी, ठीक है, एक वर्ड है हमारा टेरोक्रोनोलॉजी। तो यहाँ पर हमारा इसमें ये गलत छपा हुआ है टाइपिंग में, मैं इसको सही कर देती हूँ। ये है टी ई पी एच आर ओ, ठीक है, सी एच आर ओ एन ओ एल ओ जी वाई, ठीक है। ये टाइप होने में थोड़ा मिस्टेक हुई हुई है यहाँ पे, इसे नहीं देखेंगे, जो मैंने स्पेलिंग लिखी है उसको देखना है, ठीक है। ये है हमारा टेरोक्रोनोलॉजी, ठीक है। तो टेरो क्या होता है, ठीक है, तो टेरो की हम बात करते हैं, तो टेरो हमारा जो होता है वो वोल्केनिक होता है। क्या होता है हमारा टेरो का मतलब, क्या होता है, वोल्केनिक, ठीक है। क्रोन का मतलब क्या हो गया हमारा, टाइम हो गया। ओ से क्या हो गया हमारा, ऑफ हो गया। और लॉजी की बात करें तो लॉजी क्या है हमारा, स्टडी हो गया। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको अभी तक बताती आ रही हूँ, ठीक है, तो हमारा क्या कहते हैं, द स्टडी ऑफ वोल्केनिक एश टाइम लाइंस, ठीक है।
इतना क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, इसको एक बार दोबारा से देख लेना, ये जो स्पेलिंग लिखी हुई है ऊपर ये गलत टाइप हुई हुई है, ठीक है। मैंने नीचे सही कर दिए इसको, ऐसा हो जाता है टाइपिंग में, हो जाता है कभी कभी। तो टेफ्रो क्रोनोलॉजी समझ आ गया आपको, टेफ्रो का मतलब क्या होता है, वोल्केनिक होता है, क्रोन का मतलब टाइम हो गया, और से ऑफ हो गया, लॉजी से स्टडी हो गया। तो अब तक तो आपको ये चीज़ें समझ में भी आ गई होंगी, ठीक है। अब आप अपने एक वर्ड से और भी जो मैंने आपको बताए हैं, मैंने तो अभी तक आपको केवल अभी तक 10 अभी क्वेश्चन पे आए हैं, लेकिन आपके दिमाग में और भी काफ़ी सारे जरूर इस तरीके से आपके रूट्स वर्ड्स के अकॉर्डिंग काफ़ी सारे क्वेश्चन आ चुके, काफ़ी सारे आपके पास वर्ड आ गए होंगे, ठीक है। और यही मैं चाहती हूँ कि आपके माइंड में मेरे जो भी ट्रिक्स होंगी, ठीक है, मैं भले ही आपको एक चीज़ बताऊँ, लेकिन आपको कुछ चार चीज़ों के बारे में, चार फॉरवर्ड्स, अदर फॉरवर्ड्स के बारे में और जानकारी मिलती रहेगी। अब बात करते हैं जियोक्रोनमेट्री, ठीक है, क्या बात करते हैं हम, नेक्स्ट हमारा जियोक्रोनमेट्री। अब हम बात करते हैं जियो की, तो जियो तो हमने अभी पढ़ा है, जियो क्या है हमारा, अर्थ है, जियो किसे बोलते हैं, अर्थ को। क्रोन क्या हो गया हमारा, टाइम हो गया, क्या हो गया, टाइम। मैट्री की बात करें तो मैट्री हम इस किसे बोलते हैं, ये तो मेजर को भी कहेंगे, मेजरमेंट भी यही होता है, ठीक है। टू द अर्थ ऑफ मेजरमेंट, तो ये हमारा जियोक्रोनमेट्री हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने तो इसमें कुछ अलग से याद करने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि हमें जियो का वर्ड, भले ही आपका ये वर्ड न्यू है जियोक्रोनमेट्री, लेकिन हमने हमारा रूट वर्ड क्या चल रहा है, क्रोन को लेकर के चल रहा है। अब क्रोन का मतलब आपको तो पता ही चल गया है कि टाइम है, जियो का हम सब जानते ही, अभी एक वर्ड हमारा पीछे भी आया था, देखने को मिला था, अर्थ होता है। मैट्री की बात करें तो मैट्री क्या होती है, मेजर होती है, मैट्री मेजर या मेजरमेंट, तो द मेजरमेंट ऑफ अर्थ, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट करते हैं, हाँ, तो अगला वर्ड हमारा जियोसिंक्रोनियस, ठीक है। अब कैसे पढ़ेंगे हम इसको, जियो का मतलब क्या है हमारा, अर्थ है, जियो का मतलब क्या है हमारा, अर्थ। सिंक की हम बात करें तो सिंक क्या है हमारा, कवर करना, ठीक है, रिकवर करना किसी चीज को, या फिर रिकवरी। क्रोन की हम बात करें तो क्रोन क्या है हमारा, टाइम। ओ यू एस क्या है हमारा, एडजेक्टिव है। अगर आपको किसी भी वर्ड में लास्ट में ओ यू एस लिखा हुआ मिलता है, ओ यू एस लिखा मिलता है, तो वो क्या है हमारा, एडजेक्टिव है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि अर्थ, अर्थ हमारे अर्थ का मतलब, ठीक है, अर्थ समझ में आ रहा है, रिकवर यानी कि उसके साथ साथ चलते रहना, टाइम हो गया हमारी, हमारा क्या है, एडजेक्टिव वर्ड है, यानी कि टुगेदर विद अर्थ, टाइम, समय के साथ साथ चलते रहना, ठीक है। तो वो क्या होता है हमारा, जियोसिंक्रोनियस। आपने देखा होगा हमने जो पढ़ते हैं ना SYN, अगर आप अपने कंप्यूटर को या फिर अपने मोबाइल को किसी भी तरीके से, अगर आप वहाँ पे एक ऑप्शन आता है सिंक करने का, ठीक है, वो सिंक क्या होता है कि वो जो भी उसके फंक्शन होते हैं वो उसको सबको रिकवर करता है, सबको साथ लेकर चलता है, कि जब आप अपना सिस्टम को ओपन करते हैं, कोई भी उस पर वर्क करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको कोई भी इशू नहीं होता है, वो रुकता नहीं है या फिर ओपन नहीं होता है, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आती है, ठीक है। तो उसी को कहते हैं सिंक। सिंक क्या होता है, रिकवर करना, साथ साथ उसे जो भी उसके समय के अनुसार रिकवर करना, ठीक है। तो तभी तो आता है आपको, आपने देखा होगा कि सिंक कर लो इसको, सिंक कर लो, तो वो क्या होता है, सिंक करना, रिकवर करना होता है, ठीक है। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि जो हम बेसिक डेली बेस में यूज़ भी करते हैं, लेकिन हमें उनका अगर हम मेन देखें, वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपके पूछे जाते हैं, लेकिन हम उनको पॉइंट टू पॉइंट उनको मतलब ध्यान नहीं दे पाते कि हम उनको यूज़ भी कर रहे हैं, लेकिन वो है क्या आखिर, ठीक है। जैसे कि आपका सिंक वाला वर्ड आ गया। आगे नेक्स्ट चलते हैं, ग्लोटोक्रोनोलॉजी, ठीक है। अब ग्लोटो की हम बात करते हैं, तो ग्लोटो क्या है, एक वाइब्रेशन वर्ड होता है जो हमारे कंठ से होता है, ठीक है, कंठ से। तो अब ग्लोटो ये कहाँ से, वाइब्रेशन से हो रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो इसकी हम बात करें तो ये एक तरह एयर स्ट्रीम है, ठीक है। क्रोन की बात करें हम,
तो क्रोन क्या है हमारा टाइम है, क्रोन क्या है हमारा टाइम, ओ क्या है हमारा ऑफ है, लॉजिक क्या है हमारा स्टडी हो गया। तो अब आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा, मैंने अभी आपको बताया ग्लोटो, ग्लोटो क्या होता है वाइब्रेशन है एक तरीके से, ये क्या होता है ना वाइब्रेशन को क्रिएट कर रहा है ग्लो, अब एक लॉजिक है याद करने का ये, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें क्रोनोलॉजी, ग्लोटो क्रोनोलॉजी, तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे द टाइम लाइन ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है, किसकी बात करेंगे द टाइम लाइन ऑफ लैंग्वेजेस। आगे चलते हैं, अब आता है यहाँ पर हेट्रोक्रोनियस, हेट्रोक्रोनियस। अब अभी मैंने आपको बताया कि OUS जो हमारा होता है वो कैसा वर्ड है, हमारा एडजेक्टिव है, कैसा वर्ड है हमारा एडजेक्टिव वर्ड है। क्रोन क्या है हमारा टाइम है, ठीक है, और हेट्रो की हम बात करें तो हेट्रो क्या है हमारा एक डिफरेंट है, हेट्रो का मतलब क्या होता है डिफरेंट। ठीक है, एक शब्द में इसमें और लिख देती हूँ, एक होमो होता है और एक हेट्रो होता है। होमो का मतलब क्या होता है सेम, और इसका अपोजिट यानी कि इसका हम एंटोनिम्स अगर हम बताएं तो इसका होता है डिफरेंट, ठीक है। तो ये ध्यान कर लेना, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया, अगर आपको ये इस तरीके से भी आ सकता है कि अब मान लीजिए आपका एग्जाम में लिखा हुआ हो सेम लिखा हुआ हो और आपसे पूछ लिया जाए कि इसका अपोजिट वर्ड क्या होता है, लेकिन अपोजिट आपको डिफरेंट ना देकर के आपसे पूछ लिया जाए हेट्रो, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसका हमारा एंटोनिम्स क्या है हमारा हेट्रोल है। अगर आप पूछा जाए कि सेम का सिनोनिम्स क्या है तो वो क्या होगा हमारा होम होगा। तो ये किस तरीके भी से करके आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और मैंने आपको बताया था कि आपको रटा नहीं लगाना है, अगर आप रटा लगाओगे तो आपकी रटा वाली चीज़ में कभी भी कोई चीज़ सही जल्दी से नहीं हो पाती है, ठीक है। अगर आप लॉजिक को समझ पाते हो, ठीक है, आपको जो चीज़ बताई जा रही है उसको डीपली समझ पा रहे हो कि आखिर क्या हो रहा है इसमें, इस वर्ड में, और क्या ऐड किया जा रहा है, क्या इसमें मिस किया जा रहा है, और कैसे ये सब हमारे जो रूट है रूट के द्वारा कैसे हमारे न्यू वर्ड्स बनते हैं, आपको बस ये जानने की कोशिश करनी है, बाकी आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके वर्ड्स कितने सारे रेडी हो जाएंगे कॉपीट एग्जाम के लिए, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि जो आप केवल रटा लगाओगे वही आए, आपको जो वोकैबुलरी सेशन होता है आपका वो केवल सीखने और समझना उसमें बहुत ज़रूरी है कि आपके जो वर्ड हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं वो किस कैटेगरी को लेकर किए जा रहे हैं। तो ठीक है, हम कुछ ज़्यादा दूर पहुँच गए थे, यहाँ पे बात करते वापस आते हैं अपने इसी पे, हेट्रोक्रोनियस। तो होमो का मतलब क्या होता है सेम होता है, और हेट्रो का मतलब क्या होता है डिफरेंट होता है। तो ध्यान रखना, अगर आपको कभी नेक्स्ट टाइम अगर आपको होमोक्रोनियस भी लिखा हुआ मिल सकता है तो होमोक्रोनियस होगा तो वहाँ क्या होगा द प्रैक्टिस ऑफ सेम टाइम्स, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है तो यहाँ पे क्या द प्रैक्टिस ऑफ डिफरेंट टाइम्स, इतना क्लियर होगा। आगे चले चलिए, अब बात आती देखो वही क्वेश्चन आ गया, अभी मैंने आपसे इसके बारे में डिस्कस किया तो होमोक्रोनियस, तो होमो का मतलब क्या होता है सेम होता है, होमो का मतलब क्या होता है सेम होता है, क्रोन का मतलब क्या होता है हमारा टाइम होता है, ठीक है, ओएस मतलब क्या होता है हमारा एडजेक्टिव होता है, यानी कि ये एडजेक्टिव को रिफर कर रहा है, ठीक है, हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा एडजेक्टिव है यानी कि हैविंग द सेम टाइम, ठीक है, हैविंग द सेम टाइम जो आपको बताया गया था। और अभी मैंने आपको क्या बताया, अगर इसका अगर आपका एग्जाम्स में एंटोनिम्स पूछा जाए, ठीक है, कि एंटोनिम्स क्या होता है इसका, तो आप क्या बताओगे, आपके पास मान लीजिए अगर ऑप्शन होता है अलग कोई भी ऑप्शन दे दिए और उसमें आपको मेरा लिखा मिलता है या तो डिफरेंट, डिफरेंट तो एक इजी वर्ड है जो आपको क्लियर समझ में ही आ जाएगा, लेकिन वो इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर तो आपसे सेम लिख लेते हैं और यहाँ पर पूछ लेते हैं हेट्रो वर्ड, ठीक है, तो हेट्रो का मतलब क्या होता है डिफरेंट ही होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपके नोट करने की होती है कि आपको अपने वोकैब सेक्शन की किस तरीके से तैयारी करनी है, तो वोकैब सेक्शन आपका इसलिए इम्पोर्टेंट है और इसलिए आपका इजी भी रहता है और लेकिन इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, अगर आपके बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और ऐसे नहीं, हमारी कोशिश है कि आपकी जो हम समझा रहे हैं वो चीज़ें समझ में आती रहें, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल होंगे। तो होमोक्रोनियस क्या हो गया हमारा हैविंग द सेम टाइम, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं,
ये यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग में मिस्टेक हुआ हुआ है, मैं आपकी सही जो करेक्ट स्पेलिंग है वो यहाँ लिख देती हूँ, ISO। ठीक है, आइसोक्रोनिया की हम बात करते हैं तो आइसो भी हमारा एक सेम वर्ड के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? सेम के लिए। क्रोन का मतलब क्या हो गया? हमारा टाइम हो गया। क्रोन का मतलब क्या हो गया? टाइम। आइए, कुछ नहीं होता है ये, ठीक है? जैसे निमोनिया हो गया, क्रोन क्रोनिया हो गया, ठीक है? तो आइसोक्रोनिया क्या हो गया? द स्टेट ऑफ हैविंग द सेम टाइम, द स्टेट ऑफ हैविंग द सेम टाइम। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया आइसो का मतलब क्या होता है? सेम होता है। बाकी आपका यही है जो आपको बता दिया गया है, क्रोन का मतलब क्या होता है? टाइम। तो सेम टाइम, द स्टेट ऑफ हैविंग द सेम टाइम। तो क्रोनिया एक तरीके से एक एरिया को रेफर करता है, जैसे कि आपका कोई भी हो, एक कैटेगरी, एक एरिया, पर्टिकुलर एरिया को रेफर करता है, ठीक है? डिफाइन करता है एक एरिया को, तो इसलिए हम बोलते हैं इसे, जो हमारे यहाँ पे एरिया की हम बात करें, स्टेट। स्टेट क्या है? एरिया ही तो है, क्षेत्र ही तो है, ठीक है? तो एक क्षेत्र को डिफाइन कर रहा है, तो जिसके पास एक सेम टाइम हो, ठीक है? द स्टेट ऑफ हैविंग द सेम टाइम। तो इतना क्लियर हुआ आइसोक्रोनिया का मतलब? इस स्पेलिंग को देख लेना आप, ये ISO है आपका, ICO नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट, तो बस आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।